भूषण सरन सिंह बीजेपी सांसद हैं, ब्रजभूषण जी काफी विवाद में पड़े, अब पहलवान भी यहाँ से चले गए, उनका रैन बसेरा उजड़ गया है, अब आगे क्या इरादा है, मतलब क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, मैं तो केवल एक ही रास्ता देख रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की जांच जो चल रही है उसी से कोई रास्ता निकलेगा, और मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस ने हमको 2 दिन बुलाया और 6-6 घंटे बैठ करके पूछताछ की, और आगे भी बुलाएगी तो जाएंगे, तो अब रास्ता मेरे हाथ में नहीं है, सब दिल्ली पुलिस के हाथ में है। अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रेसलिंग को काफी नुकसान हुआ है, भारत की जो कुश्ती है सारी ये प्रक्रिया ही रुक गई है, गतिविधियां रुक गई है। अब तो जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए, और बाकी जो बाहर टीम जानी है वो तो जो एडहॉक कमेटी बनी है वो कर रही है, लेकिन इससे जो टूर्नामेंट होने थे वो रुक गए। अब टूर्नामेंट ना होने के कारण टीम तो चली जाएगी, लेकिन जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते थे स्टेट चैंपियनशिप के, जिले का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर स्टेट का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर नेशनल का सर्टिफिकेट मिलता था, जो कहीं ना कहीं एडमिशन में नौकरी में काम आता है, वो सारी चीजें रुक गई है। पहले आप पे आरोप लगा कि आप मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए, फिर पॉस के चार्जेस लगाए, फिर आप दुर्व्यवहार के चार्जेस लगे, तो चार्जेस लगातार बदलते जा रहे हैं, क्या कहना आपका एकदम, कहीं कोई इतने पहलवान आपको 3-3 पहलवान बैठे? देखिए, जब शुरू में ये रेसलर आए थे तो इनकी डिमांड थी कि अध्यक्ष पद से मुझे हटना चाहिए। शाम को इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया यौन उत्पीड़न का, और साथ ही साथ जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके साथ हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया। पहले बताया कि 9-10 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है, फिर इनकी संख्या 100 हो गई और 100 से 1000 तक चली गई। और जब खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाई थी और एक ओलंपिक के नेतृत्व में, उस समिति में 17 लड़कियां पेश की गई थी, 17 लड़कियों को बुलाया गया था, उसमें कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। और उसी समय मैंने एक कैसेट दिया था जो बजरंग पूनिया किसी लड़की से बात कर रहे थे कि कोई लड़की का इंतजाम कर दो, तो कैसेट मैंने दोनों जगह दे दिया था, आईओ में भी, आईओ की कमेटी में भी, और खेल मंत्रालय के समिति की कमेटी में भी मैंने वो दे दिया था। अब देखिए, लेकिन ये दोबारा जब धरने पर बैठे तो उसमें कोई पास्को की लड़की नहीं थी, नाबालिग लड़की नहीं थी, लेकिन दोबारा जब धरने पर बैठे तो ये एक लड़की नाबालिग इंतजाम करके ले आए, और मुझे ये बात मालूम थी, मैंने पहले दोनों कमेटियों को बता दिया था कि ये प्रमाण है कि ये लड़की मेरे खिलाफ ढूंढी जा रही है, और वो ले ही आए और फिर दोबारा धरने पर बैठ गए। मैं तो खेल मंत्रालय की जो जांच समिति बनी उसका भी कोई विरोध नहीं किया, आईओ ने जब मुझे बुलाया तब मैं गया उसका विरोध नहीं किया, दिल्ली पुलिस 2-2 दिन 6-6, 7-7 घंटे 2 दिन कम से कम अब तक मुझसे पूछताछ कर चुकी है, मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा है, ये खुद नहीं जानते हैं। अभी इसी बीच में एक सज्जन मिले, नाम नहीं लूंगा, जो कुछ बातचीत इन लोगों से कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि तो क्या परिणाम क्या निकला, तो उन्होंने कहा भाई ये लोग खुद नहीं जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ये अपने हाथ में है ही नहीं है, ये दूसरे के हाथ में है, ये खुद अपने मालिक नहीं है, इनका कोई मालिक दूसरा, ये खुद कंफ्यूज है कि चाहते क्या है। ब्रजभूषण सरन सिंह हमेशा पहलवानों के लड़ता चला आया जब से वो रेसलिंग फेडरेशन में है, क्या ब्रजभूषण सरन सिंह जी दोषी हैं इस मामले में? अरे कोई सवाल ही नहीं, मैंने पहले कह दिया था, कोई सवाल ही नहीं, मैंने पहले कह दिया था, हमने कहा था कि दास कबीर ने ओढ़ी चुनरिया, ज्यों की त्यों दही दीनी चुनरिया, झीनी रे झीनी। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे यश भाई कि मेरे इस चुनरी पर एक भी दाग कोई नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? कि मैं दूसरे को नहीं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, अपने चरित्र को जानता हूँ, अपने कार्य व्यवहार को जानता हूँ।
न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजवान भाई। आपको भी।